हेलो बच्चों, तो बेटा एक बार फिर से आपका स्वागत है सेल बायोलॉजी की सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को खत्म किया था। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, सेल ऑर्गेनेल हमने दो टाइप के किए थे। एक तो वो जो मिलजुल के काम करते हैं, जिनका जो काम है वो इंटरकनेक्टेड होता है, उन सारे ऑर्गेनेल्स के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया था, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोजोम एंड वैक्यूल। आज बेटा हम वो सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करेंगे जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ये सब आते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर का जो कंटेंट रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड रहेगा। इन दोनों टॉपिक को हम बड़े अच्छे से करेंगे। इसी के साथ देरी ना करते हुए बेटा हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बेटा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने क्लास 9th और 10th में भी सुना होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब कैसे बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, उन सारी चीजों की डिटेल बेटा हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। कैसे, देखते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो हम माइक्रोस्कोप के नीचे सीधा नहीं देख सकते हैं। तो आप बोलोगे, बोला सर माइक्रोस्कोप के नीचे सीधा तो नहीं देख सकते, लेकिन क्या टेढ़ा देख सकते हैं? ऐसा भी नहीं है जी कि माइक्रोस्कोप के अंदर सीधा देखने का मतलब ये नहीं है कि माइक्रोस्कोप के अंदर से टेढ़ा देखेंगे तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया को देखें, अगर उससे पहले स्टेनिंग कर दी जाए तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को बिना स्टेनिंग के नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। हो गया। बोला सर स्टेनिंग क्या होता है? बेटा स्टेनिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेन यूज की जाती है। तो बोला सर वो स्टेन कौन सी है जो माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए यूज की जाती है बेटा? तो सबसे पहला ही पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, कि कौन सी स्टेन माइटोकॉन्ड्रिया की विजिबिलिटी के लिए यूज की गई थी सबसे पहले, उस स्टेन का नाम क्या है बेटा? जेनस ग्रीन। क्या नाम है? जेनस ग्रीन। बेटा 5 स्टार लगा लेना, मैं तो 3 ही लगा रहा हूं, तुम फिर भी 5 लगा लेना क्योंकि तुम लोगों ने पेपर देना है ना। जेनस ग्रीन, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए यूज की गई स्टेन का नाम क्या है बेटा? जेनस ग्रीन। उसके बाद स्टार्ट करते बेटा हम इसके स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर को तो क्या स्टार्ट करना है बेटा, स्ट्रक्चर का तो सीधी सी बात है, आप एनसीईआरटी के अंदर भी डायग्राम देखोगे, आपने देखा भी होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेटा सिलेंड्रिकल, एक तरीके से सॉसेज शेप्ड बोल सकते हैं बेटा, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा जिसका जो डायमीटर है, एक लेंथ है, वो दोनों चीज अपने को देखनी पड़ेगी अगर सिलेंड्रिकल है। तो देखो सिलेंड्रिकल तो ऐसा होता है, तो इसकी हमको क्या देखनी पड़ेगी बेटा, डायमीटर भी देखनी पड़ेगी और लेंथ भी देखनी पड़ेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा जो देखा गया डायमीटर, वो कितना देखा गया? 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर की रेंज के बीच में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के डायमीटर को ऑब्जर्व किया। इसके अलावा जो इसकी लेंथ देखी गई बेटा, लेंथ लगभग 1 माइक्रोमीटर से लगभग 4.1 माइक्रोमीटर तक की लेंथ को क्या किया गया? ऑब्जर्व किया गया। ये हो गया बेटा इसका स्ट्रक्चर। फिर आता है, बोला सर ये एक सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं, ये एक सेल के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? तो देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला था? पावर हाउस ऑफ द सेल। एक बात बताओ भैया, पावर हाउस क्या होता है? हमारे घर पे लाइट आती है बेटा, बिजली बोर्ड को बोलते नहीं, पावर हाउस से कट लग गया होगा, मतलब वहां से हमारे घर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना। वैसे ही सेल को भी तो सेलुलर एक्टिविटीज करने के लिए, सेलुलर रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आ रही है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला गया? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मतलब सीधा सा है कि सेल को एनर्जी कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा मुद्दा क्या चल रहा था? हमारा मुद्दा ये चल रहा था कि एक सेल के अंदर सर माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं? तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स नहीं होता है ना,
अब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स नहीं होता है का मतलब क्या बेटा, जिस सेल को कम एनर्जी चाहिए उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया, जिस सेल में ज्यादा एनर्जी चाहिए उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सीधी सी बात है। तो अगर बेटा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, तो इसके अंदर कोई फिक्स नंबर नहीं हो सकता, हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट। किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दी सेल, कि मतलब जो आपका सेल को जितने भी एनर्जी की जरूरत होगी उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपका, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द, आई बात समझ में। इसके बाद देखते हैं बेटा जी, इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर कर लिया, हमने इसके स्टेन का नाम कर लिया, हमने ये देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर किसके अकॉर्डिंग मिलता है, और इसके बाद बेटा हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को मतलब इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमको देखना है बेटा जी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम क्या देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बेटा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, दोबारा आपको रटना नहीं पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया गया बेटा, उसके अंदर देखा गया कितनी मेम्ब्रेन थी, दो। कितनी मेम्ब्रेन थी, दो। भैया अब सीधी बात है, किसी दो बीवियां हैं तो क्या बोलते हैं, एक बाहर वाली एक घर वाली, है ना, बोल सकते हैं, उसी को क्या बोल सकते हो, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, घर के अंदर वाली मतलब। वैसे ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी मेम्ब्रेन है, दो। दो मेम्ब्रेन है तो एक कौन सी हो जाएगी, बाहर वाली, बाहर वाली को क्या बोलेंगे, आउटर। एक हो गई बेटा अंदर वाली, अंदर वाली को क्या बोलेंगे, इनर। आई बात समझ में, एक हो गया बेटा आपका आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या हो गया बेटा आपका इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ये जो होती है बेटा, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है ये बात देखनी है हमने। मान लो बेटा ये आउटर मेम्ब्रेन है, क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, एक काम करते हैं इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा येलो कलर से बना देते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन। अब देखा क्या गया बेटा, देखा ये गया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री है। कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब क्या है बेटा, मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये एक तरीके से कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री है। लिमिटिंग बाउंड्री का मतलब क्या बेटा, जो उसकी लिमिट बना दे। अब इसने ये मान लो ये मेम्ब्रेन है, इसने माइटोकॉन्ड्रिया की लिमिट बना दी। कैसे बना दी बेटा, इसके बाहर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक तरीके से बाउंड्री बनाई है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है बेटा, कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है बेटा, वो अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। क्या बना लेती है, ऐसे अंदर इन फोल्डिंग्स बना लेती है, कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में। अब बोला सर ऐसा क्यों होता है बेटा, जो आपका एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल है, वैसे ही जो एटीपी होता है वो क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब दोनों चीजें आपको याद हो चुकी होगी कि एक पावर हाउस हो गया, एक क्या हो गया, एनर्जी करेंसी हो गया। तो सीधी सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी फॉर्मेशन के साथ पूरा पूरा लेना देना है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। अब क्या चीज है बेटा कि एटीपी बनने की जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत सारे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, ये सब आप रेस्पिरेशन चैप्टर में करोगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखें ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। क्या है मुद्दा, मुद्दा ये है कि एटीपी बनने के लिए बहुत सारे क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, ध्यान से सुन लेना बच्चों, लाख रुपए की बात है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लाख रुपए की कैसे है, क्वेश्चन आ चुका है, आगे आने वाले टाइम में आएगा। आई बात समझ में, चाहे मेडिकल एंट्रेंस हो चाहे पैरामेडिकल एंट्रेंस हो, हर जगह ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे समझ में। अब देखो बेटा हमने ये चीज तो कर ली, अब मेन बात क्यों थी कि ये इन फोल्डिंग्स के रूप में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा इस मेम्ब्रेन के अंदर हमको क्या इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया, ताकि एटीपी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। समझ रहे हो,
जितना ज्यादा एरिया उतना ही ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन। तो जो ये आपकी इनफोल्डिंग होती है बेटा, ये इंक्रीज करती है किसको, आपके इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया। आई बात समझ में। और इन फोल्डिंग्स को कहा क्या जाता है बेटा, क्रिस्टे। क्या कहा जाता है, क्रिस्टे। अब कोई पूछे आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे क्या होते हैं, तो आप सीधा बोल देना, बोला जी दो मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाहर वाली, इनर मेम्ब्रेन अंदर वाली, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। क्या बना लेती है, ऐसे इनफोल्डिंग्स बना लेती है। इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं जी, आपका क्रिस्टे। आई बात समझ में। अब आपको क्रिस्टे तो समझ में आ गया होगा, इसके साथ साथ बेटा थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे हम, थोड़ा सा क्या डिटेल में जाएंगे वो देखना। बोला जी क्रिस्टे के बारे में आपने बता दिया, मान लो ये क्रिस्टे है। अब देखो बेटा एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान देना थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी अभी हमने किया बेटा दो मेम्ब्रेन है, एक तो क्या है आउटर मेम्ब्रेन है, और एक क्या है बेटा आपकी इनर मेम्ब्रेन है। एक क्या है आउटर मेम्ब्रेन, और एक क्या है बेटा आपकी इनर मेम्ब्रेन। आई बात समझ में, ध्यान से सुन लेना। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर 60% प्रोटीन मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कितना परसेंट प्रोटीन मिलता है भैया, 60%। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कितना प्रोटीन मिलता है, 80%। कितना मिलता है, 80%। जो बच गया बेटा वो लिपिड प्रेजेंट होगा। मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर 60% प्रोटीन है, तो इसके अंदर कितना बच गया, 40% क्या होगा, लिपिड होगा। यहां पे क्या है, 80% प्रोटीन है, है ना, तो इसके अंदर कितना बच गया, 20%। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, 20% लिपिड होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। जो आपका यहां पे मान लो बेटा क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैंने बना दी क्या बेटा जी, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली साइड बेटा मैं बना देता हूं क्या आपकी इनर मेम्ब्रेन। मान लो ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह बच गई उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और क्या बेटा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्या बोल सकते हैं हम, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं जी, या तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या फिर हम क्या बोल सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस बात को ध्यान में रखेंगे। Due to the presence of दो membrane, due to the presence of दो membrane और two membrane, हम माइटोकॉन्ड्रिया के एरिया को, हम माइटोकॉन्ड्रिया को दो कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा आपका आउटर कंपार्टमेंट, और एक क्या होता है बेटा आपका इनर कंपार्टमेंट। कैसे, मान लो बेटा ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आपकी क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। मान लो ऐसे इन फोल्डिंग्स के अंदर प्रेजेंट प्रेजेंट होगी। अभी अभी हमने बताया था पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में, तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो बेटा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कौन सा होगा, ये वाला। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला जो स्पेस होगा उसको हमने क्या बोल दिया, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये बात तो क्लियर है, बोला सर जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एरिया रह गया, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एरिया रह गया, मतलब बेटा ये वाला एरिया क्या है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। आई बात समझ में। तो यहां पे जो बेटा दो कंपार्टमेंट में तो आपको बता रहा हूं वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बच गया उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटर कंपार्टमेंट। और बेटा अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर जो एरिया बच गया, मतलब मैट्रिक्स जो बच गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनर कंपार्टमेंट। तो एक तरीके से जी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट हो गए, एक आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट के अंदर क्या आ गया, आउटर कंपार्टमेंट के अंदर आ गया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इनर कंपार्टमेंट के अंदर क्या आ गया आपका, मैट्रिक्स।
ये हो गया बेटा आपका इसका स्ट्रक्चर किसका, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की थोड़ी सी डिटेल में और जाते हैं जहां से क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भैया डीएनए प्रेजेंट होता है? हाँ जी प्रेजेंट होता है। पहले तो मैं यहां पे लिख देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट, ये स्टार मार्क कर करके बेटा अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना पेपर से पहले, चाहे बोर्ड का हो चाहे नीट का हो, क्वेश्चन आ जाएगा गलत हो गया ना धोखा उड़ा लगेगा, बोला जी ये क्वेश्चन गलत करा है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों जैसी बात है ये, क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या डीएनए होता है? तो मैं बोलूंगा हाँ जी होता है, कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बोला जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या आरएनए होता है? हाँ जी होता है, फ्यू मोलिक्यूल होते हैं, लेकिन तो हम बोल सकते हैं बेटा फ्यू मोलिक्यूल्स ऑफ आरएनए, डीएनए भी हो गया आरएनए भी हो गया। हम पूछ सकते हैं क्या कि क्या जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं? आंसर होगा यस। लेकिन ध्यान रखना बेटा राइबोसोम जो हमने पढ़े थे वो दो टाइप के पढ़े थे, एक 70S और एक 80S। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप के राइबोसोम मिलते हैं? तो हम क्या बोल लेंगे? 70S। कसम से बता रहा हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन गठ बांध लो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता था? 80S। अब बच्चे क्या सोचते हैं बेटा? बच्चे ये सोचते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आएगा तो क्या टिक कराते हैं? 80S। लेकिन आपको बेटा अलग से ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो कौन सा मिलता है? 70S। आई बात समझ में? इसके बाद थोड़ी सी आगे की कहानी करते हैं बेटा। जो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों की दोनों मेम्ब्रेन होती है, यहां पे लिख दिया बेटा मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोनों मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, उन दोनों मेम्ब्रेन के पास ही अपने अपने एंजाइम होते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए। लेकिन बेटा जो एंजाइम और इलेक्ट्रॉन कैरियर एटीपी बनाने के लिए चाहिए, वो एंजाइम और इलेक्ट्रॉन कैरियर सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पे। भाई कंफ्यूज मत हो जाना, चाहे हिंदी में लिख लो कि एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रिक्वायर्ड फॉर एटीपी फॉर्मेशन। मतलब एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर या फिर एंजाइम चाहिएंगे, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं बेटा, बड़ा बड़ा सॉरी आर फाउंड ओनली इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना बेटा ये बात, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से भी बेटा जी बहुत बार क्वेश्चन आया है तो इसको अच्छे से देख कि एटीपी फॉर्मेशन के लिए जो जितने भी आपके एंजाइम है, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। फिर थोड़ा सा बेटा डिटेल में चलते हैं। डिटेल में क्या चलते हैं? मान लो एक होगी बेटा आपकी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी इनर मेम्ब्रेन। बोले सर कितनी बार बताओगे? बेटा थोड़ा सा और पढ़ लो बस, उसके बाद ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे हम जो एनसीईआरटी में नहीं है आपकी। क्या जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैंने अभी बताया, ध्यान से देखना बेटा। मान लो ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये मान लो बेटा आपकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और ये ऐसे इन फोल्डिंग्स में प्रेजेंट है। थोड़ा सा इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं पता, क्वेश्चन आ गया तो आ गया बेटा, फिर कोई गलती रह जाए तो रह ही जाएगी, तो हम कोई गलती करने की गुंजाइश छोड़ेंगे ही नहीं। हर एक टॉपिक वो अच्छे से करेंगे जहां से क्वेश्चन आ सकता है। बेटा एक क्वेश्चन का रिस्क आपके एक साल का रिस्क है, बात ध्यान रखना। यहाँ के एक क्वेश्चन का, एक टॉपिक का, एक लाइन का रिस्क आपके एक साल का रिस्क है, और ज्यादा ना बोलो बेटा तो सही बताऊं पूरी जिंदगी का रिस्क भी बोल सकते हो। एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो दूसरी बार ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, सिलेक्शन होते भी हैं, लेकिन जो वो रेशियो है अंदर से एक हिम्मत टूट जाती है, वो हिम्मत नहीं टूटने देनी है आपको भी और मेरे को।
आई बात समझ में। देखो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोल दिया भैया, क्रिस्टे बोल दिया। तो ये आपकी क्या है, क्रिस्टे है। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, बोला सर अल्ट्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बताओ, अब तो हमें बुला रहे हो भैया, बुला नहीं रहे हैं। देखो क्या जो क्रिस्टे होते हैं बेटा, क्रिस्टे के ऊपर अंदर वाली साइड, क्रिस्टे के ऊपर अंदर वाली साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्फेरिकल और नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कुछ स्फेरिकल और नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कैसे देखेंगे बड़े ध्यान से, देखो बेटा यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, येलो ले लेते हैं। कैसे यहाँ पे अंदर वाली साइड ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, देख पा रहे हो आप, नहीं देख पा रहे, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना देंगे कोई बात नहीं। देखो जैसे यहां पे ऐसे ऐसे अंदर वाली साइड क्या होते हैं, नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन पार्टिकल्स को, जो ये आपके नोब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। इन्हीं को हम ऑक्सीजोम्स भी बोल देते हैं, इन्हीं को हम बेटा क्या बोल देते हैं, एक और था वो ऑक्सीजन बोल सकते हैं, F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इनको बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा भी करवा दूं क्या, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं लिख लो। इसके अलावा बेटा इन्हीं पार्टिकल्स को हम पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड फर्नांडिस, जैकलिन फर्नांडिस नहीं है, साइंटिस्ट वाली फर्नांडिस है, ध्यान रखना। इन्हीं को ही हम, क्या पता आप ये सोच के बैठ जाओ कि इनको जैकलिन फर्नांडिस ने डिस्कवर किया था, ऐसा नहीं था। F1 पार्टिकल्स को क्या बोल सकते बेटा, पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस एंड मोरान, इन चार नाम से बेटा इन पार्टिकल को हम बोल सकते हैं। और जो ये पार्टिकल्स है बेटा, ये क्या काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, वो भी देख लेते हैं। बोला सर देखो हर बात का कारण करना जरूरी है, अगर कारण कर लोगे तो आपको याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। अभी तक क्या किया, अंदर वाली मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स के रूप में प्रेजेंट होगी, उसको क्या बोला, क्रिस्टे। क्रिस्टे के अंदर वाली साइड कुछ नोब और स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोल सकते हैं, और या फिर क्या बोल सकते हैं, जैकलिन फर्नांडिस से यार कहें क्या, पार्टिकल्स ऑफ फर्नांडिस और मोरान। अब इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं, जिससे आपको यह पता लग जाएगा भैया कि इस पार्टिकल्स का काम क्या होता है। तो होता क्या है बेटा, जो ये पार्टिकल आपके सामने नजर आ रहे हैं, F1 पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल को बड़ा बना दिया, जहां से ये अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये जो बीच की आपकी अटैचमेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। और जो बेटा ये बड़ा लट्टू सा बच गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड है। अब क्या बोले, बोले इसका काम बताओ, इस हेड के अंदर बेटा एक एंजाइम होता है, कौन सा जी, एटीपी सिंथेस। कौन सा होता है, एटीपी सिंथेस, नाम से ही पता चल रहा है। एटीपी सिंथेस क्या काम करेगा, एटीपी सिंथेस काम करेगा एटीपी बनाएगा। एटीपी सिंथेस किस चीज का काम करेगा भैया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एक बात बताओ, अब तो सारा सिस्टम आ गया ना समझ में, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मतलब ये पार्टिकल ही कहीं ना कहीं एटीपी बना रहा है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम कौन सा है, एटीपी सिंथेस। और एटीपी बनाने के लिए एंजाइम चाहिए ही चाहिए, इसीलिए बोलते हैं क्या, वही बात कि एटीपी बनाने के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए, वो कहां मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पे। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन किसके रूप में प्रेजेंट है, क्रिस्टे। और क्रिस्टे पे क्या है, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल में क्या है, हेड। हेड में क्या है, एटीपी सिंथेस, जो क्या करेगा, एटीपी बनाएगा। राइट, ठीक आया ना समझ में, बस रटना नहीं है, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा। अब थोड़ा सा मुद्दा रह गया बेटा, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बच्चों जैसी बात है, सारा कुछ कर तो लिया। क्या देखो, यहां पे लिखा मैंने फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा फंक्शन की जब बात की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के, फंक्शन की जब बात की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो अभी अभी आपने पढ़ा था क्या कि जी माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी बनाता, आपने पढ़ा तो दिया बेटा। खाने को तोड़ के एनर्जी बनाना क्या है, रेस्पिरेशन। खाने को तोड़ के एनर्जी बनाना, एनर्जी में क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है।
खाने को तोड़ के एनर्जी बनाना वो क्या है, रेस्पिरेशन। दो टाइप की कर ली थी रेस्पिरेशन, एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाली को क्या बोला था, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो भैया जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो आपकी एक तरीके से कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ज्यादा बकवासबाजी याद करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, सीधा सीधा याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एक तरीके से बोल दिया जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, एटीपी प्रोडक्शन होता है। इसीलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा। बस इस अल्ट्रास्ट्रक्चर को, F1 पार्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। और एक वो वाली चीज जरूर ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का मिलता है। आई बात समझ में? एक पेरिकोंड्रियल स्पेस को ध्यान रखना, मैट्रिक्स को ध्यान रखना, और एक ये वाली छोटी सी बात, जो एटीपी बनाने के लिए एंजाइम और इलेक्ट्रॉन कैरियर मिलते हैं वो अंदर वाली मेम्ब्रेन में मिलते हैं। बस यही गिने चुने क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया खत्म, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर अपने को करना था माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या, प्लास्टिड। तो इसी के साथ बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, प्लास्टिड। सीधी बात बेटा, नो बकवास। क्या मैंने बताया था आपको पहले भी, जिन बच्चों ने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिर्फ और सिर्फ कहां मिलता है, प्लांट सेल में। P4 प्लास्टिड, P4 प्लांट सेल। तो बेटा जो प्लास्टिड है आपका वो कहां मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल। इसके अलावा यूग्लिनोइड्स में भी मिलता है। अब आप बोलोगे, बोले सर आपने प्लांट सेल बोला था, भाई जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं हम, जो 11th क्लास का दूसरा चैप्टर है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, उसके अंदर देखा जाता है बेटा क्या उसके अंदर देखा जाता है क्या, कि जो यूग्लिनोइड्स है उनके अंदर भी प्लास्टिड देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी जो है वो किसके साथ है, प्लांट सेल के साथ है। कि हर एक प्लांट सेल के साथ है क्या होता है बेटा, आपका जो प्लास्टिड है वो प्रेजेंट होता है। इसलिए बोला जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो आप क्या बोलोगे, प्लास्टिड। ठीक है, इसी के साथ बेटा आगे करते हैं। जो ये प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल होते हैं बेटा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। प्लास्टिड को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट। क्या जी, प्लास्टिड को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स। मतलब प्लास्टिड के अंदर बेटा कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम प्लास्टिड को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट में बेटा, एक को तो हम बोल देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोल देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। एक को हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और एक को हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में? तो प्लास्टिड हो गया बेटा जी आपका तीन टाइप का, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक क्लोरोप्लास्ट। बोला जी ये कैसे आपने डिवाइड कर दिया, तो सीधी सी बात है बेटा, देखो अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट होंगे तो अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर देंगे। तो ये प्लास्टिड भी कैसे होंगे बेटा, अलग अलग कलर के होंगे। ये बात तो मानते हो कि अगर इनके अंदर अलग अलग पिगमेंट प्रेजेंट है तो अलग अलग ही कलर आएगा। अलग अलग कलर कौन सा देखने को मिलता है बेटा, जो आपके कलरलेस प्लास्टिड है, जो आपके कलरलेस प्लास्टिड है वो हमने कहां डाल दिया, आपके ल्यूकोप्लास्ट में। जो आपके, जैसे ऐसे नहीं बोलते अभिषेक रॉय, तो रॉय से बेटा आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्रोमोप्लास्ट के अंदर हमने क्या लिख दिया बेटा, ROY रॉय, R4 रेड, O4 ऑरेंज, Y4 येलो। तो मेनली बेटा क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से कलर देखने को मिलेंगे, रेड, ऑरेंज या फिर कौन सा कलर देखने को मिलेगा बेटा आपको, येलो। आपको शायद ये विजिबल नहीं है इस साइड से, मैं आप थोड़ा सा इसको वो कर देता हूं, जूम आउट। ठीक है जी, तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर बेटा आपको तीन कलर देखने को मिल गए, कौन कौन से, रेड, ऑरेंज और येलो। वैसे ही बेटा जो क्लोरोप्लास्ट आपका होता है वो कौन से कलर का देखने को मिलता है, ग्रीन। ठीक है, अब इनको एक एक को डिटेल में करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला हमने कौन सा देखा बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा देखा, ल्यूकोप्लास्ट। इसका पहला पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या ये क्या होता है बेटा आपका, कलरलेस होता है और ये नॉन ग्रीन सेल्स में मिलता है। कहां पे मिलता है, नॉन ग्रीन सेल्स में। इसका काम जब देखा गया बेटा, तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन काम होता है बेटा वो किस चीज का काम होता है आपका, स्टोरेज का। अब स्टोरेज के बेसिस पे कि
देखो अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग चीज को स्टोर कर रहे हैं, इसी के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर डिवाइड कर दिया गया। पहले तो देख लिया ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या, स्टोरेज। अब किस चीज की स्टोरेज कर रहे हैं उसके बेस पे अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट बन गए। तो देखो बेटा कुछ तीन टाइप के आपके ल्यूकोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। एक तो वो मिलते हैं बेटा जो किस चीज की स्टोरेज करते हैं, स्टार्च। आई बात समझ में? मैं यहां पे लिख भी देता हूं बीच में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्टोरेज, वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च की स्टोरेज करते हैं उनको हमने क्या बोला बेटा, अमाइलोप्लास्ट। क्या बोला? अमाइलोप्लास्ट। जो फैट और ऑयल की स्टोरेज करते हैं उसको हमने क्या बोला बेटा, इलियोप्लास्ट। देखो नाम मिलता जुलता सा लग रहा है ना, ऑयल ओ आई इलियो है ना। वैसे बेटा जो प्रोटीन की स्टोरेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। देखो एल्यूरोन लेयर पड़ी थी ना, एक लेयर होती है बेटा एल्यूरोन लेयर जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। तो उससे इसका नाम पड़ा है कि प्रोटीन की स्टोरेज करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। 30 सेकंड रिवाइज करवाता हूं कैसे। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या, स्टोरेज का। स्टोरेज होगी अलग अलग चीज की, तो अलग अलग चीज की स्टोरेज के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड कर दिया तीन पार्ट में। पहला स्टार्च को डिवाइड किया तो अमाइलोप्लास्ट है ना, डिवाइड तो क्या किया, स्टोर। मान लो स्टार्च को स्टोर किया तो अमाइलोप्लास्ट, फैट एंड ऑयल को स्टोर किया तो इलियोप्लास्ट, प्रोटीन को स्टोर किया तो एल्यूरोप्लास्ट। ये हो गया बेटा आपका ल्यूकोप्लास्ट खत्म। इसके बाद चलते हैं जी हम किस पे, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है देखते हैं बेटा। ये तीन कलर का मिल सकता है, कौन कौन से, रेड, ऑरेंज और एक कौन सा बेटा, येलो। बोला जी इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से इसके अंदर ये तीन कलर आ गए। बेटा इन तीन कलर के आने के पीछे रीजन ये होता है कि जो आपका क्रोमोप्लास्ट है उसके अंदर कैरोटीनॉइड पिगमेंट मिलता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड पिगमेंट की वजह से इसके अंदर ये तीन कलर आ। इससे भी बड़ी बात यह है बेटा कि क्रोमोप्लास्ट आपका ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट से बनता है। मतलब क्या, सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनो। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्ट से बनता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको। क्या, देखो क्लोरोप्लास्ट कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का था, और क्रोमोप्लास्ट रेड ऑरेंज और येलो है ना। मैंने अभी बोला बेटा क्या कि क्लोरोप्लास्ट से क्या बना, क्रोमोप्लास्ट। यहां पे इनके सामने कलर लिख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का कौन सा कलर हो गया, ग्रीन। क्रोमोप्लास्ट का कौन सा हो गया बेटा, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। अब मैं बोलता हूं इससे ये बनेगा। बोला जी ग्रीन से लाल, ऑरेंज, पीला कैसे बन जाएगा, बनता है आपके सामने, बनता है। आपने आपकी नेचुरल जिंदगी के, नेचुरली होती है वैसे तो जिंदगी, आपकी जिंदगी के अंदर देखा भी है क्या। देखो बेटा जब टमाटर कच्चा होता है तो वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर। वो ग्रीन किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। लेकिन जब टमाटर पकता है तो वो कौन से कलर का हो जाता है, लाल कलर का। मतलब हरा टमाटर लाल बन गया, हरा टमाटर लाल बन गया। हरा क्यों था, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। भैया लाल कैसे हो गया, क्लोरोप्लास्ट तो लाल होता ही नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है बेटा, जब टमाटर हुआ हरे से लाल इसका मतलब क्या, क्लोरोप्लास्ट बदल गया किस चीज में, क्रोमोप्लास्ट। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो, आपकी जो हरी मिर्च होती है, दो टाइप की मिर्च खाते हैं ना, हरी मिर्च लाल मिर्च। भैया वो लाल मिर्च लाल कैसे हुई, हुई तो हरी से ही है ना। मतलब क्या, हरी मिर्च से लाल मिर्च का बनना क्या है, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट का बनना। इसके अंदर कोई डाउट नहीं रह गया होगा, इसके अंदर कोई डाउट रह भी जाए भैया तो आप बता देना मेरे को कहां पे, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद बेटा प्लास्टिड का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, क्लोरोप्लास्ट। इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। अब आप बोलोगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं जी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वो पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब आप ये पूछोगे बोला जी ऐसे कौन से पिगमेंट है, तो आपको बेटा मैं थोड़ा सा डिटेल में करवा देता हूं। क्या, देखो
यहां पे लिखा बेटा मैंने फोटोसिंथेसिस, क्या लिखा फोटोसिंथेसिस। बच्चों आपको ये तो पता होगा ना कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कहां पर होती है, ग्रीन प्लांट्स में। कहां पर होती है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो ग्रीन है, बड़ा करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। ग्रीन बेटा किसी से भी पूछ लेना, बोला जी हरे पेड़ों के अंदर कैसा, ऐसा कैसा क्या क्या है जिसकी वजह से वो हरे हैं, तो करोड़ रुपए का जवाब भी सुन लो, सीधा सीधा बोल देना। बोला जी हरे पेड़ हरे इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर हरे पत्ते हैं, है ना, मानते हो ना। देखो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है बेटा, ग्रीन लीव्स है। बोला जी ग्रीन लीव्स के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो ग्रीन है, तो ग्रीन लीव्स के अंदर ऐसा क्या है, मीजोफिल सेल। क्या है बेटा जी, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर ऐसा क्या है भैया, क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या है, क्लोरोफिल है जी, ये तो आपको पता ही होगा बेटा, है ना, समझदार बच्चे हो। क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अंदर ऐसा क्या है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट। इन्हीं पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। आई बात समझ में, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट के बेटा स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो वही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था दो मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली एक अंदर वाली, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको जी क्या दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एक तो क्या आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या देखने को मिलेगी बेटा, इनर मेम्ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर साथ साथ बना ही लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे, देखते हैं। ये मान लो बेटा इस टाइप का कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्या होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाली साइड क्या होती है बेटा आपकी ऐसे इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये क्या होगी इसके अंदर आपकी इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस बच गया, नाम लिख देते हैं साथ साथ, ये क्या हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या होगी बच्चे लोगों अंदर वाली साइड इनर मेम्ब्रेन। और अभी अभी मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया बच गया, जितना भी एरिया बच गया, मान लो जितना भी एरिया बचा हुआ है, इस खाली एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, इस स्ट्रोमा के अंदर बेटा कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, इन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं जी, थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। अब खासियत क्या है बेटा, जो ये थाइलेकोइड प्रेजेंट होते हैं, देखो जैसे थाइलेकोइड को एक सिक्का मान लो 5 रुपए का, और तो आपने सिक्के की गड्डी बनानी है, तब क्या करोगे, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्का 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 सिक्का, क्या बन गया, सिक्के की गड्डी। वैसे ही बेटा क्या होता है, थाइलेकोइड के ऊपर थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के ऊपर थाइलेकोइड, 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 क्या बन गया, थाइलेकोइड की गड्डी। इस थाइलेकोइड की गड्डी को, गड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैक। क्या बोलते हैं, स्टैक। तो इस स्टैक ऑफ थाइलेकोइड को हम क्या बोलेंगे जी, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ऐसा ही यहां पे एक ही ग्रेना प्रेजेंट नहीं होता है, और भी ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। मान लो भाई यहां पे ये दूसरा ग्रेना प्रेजेंट, आई बात समझ में, और दो ग्रेना या मतलब कितने भी ग्रेना हो बेटा, ये जो ग्रेना होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो ये स्टैक ऑफ थाइलेकोइड्स होते हैं, ये आपस में एक ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं ऐसे, ये एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से बेटा कनेक्टेड होते हैं। उस ट्यूब्यूल लाइक जो आपका स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैम। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैम। आई बात समझ में, ये हो गया कंप्लीट आपका क्या, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब आपको पता है बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर, अब आपको पता है इस स्ट्रक्चर के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं। फोटोसिंथेसिस कोई एक स्टेप रिएक्शन नहीं है बेटा, ये टू स्टेप रिएक्शन है, ऐसे तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है क्योंकि आगे फर्दर स्टेप हो जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी सुन लो। क्या मोटा मोटी सुन लो का मतलब ये नहीं है कि तो मैं तुमको मोटा मोटी बोल रहा हूं ना,
एक मोटा मोटी का मतलब होता है, ऊपर ऊपर से सुन लो क्या, कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मतलब फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में कौन से थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आई बात समझ में बेटा? जो फोटोसिंथेसिस, जिसने आज तक वो लेक्चर मेरा नहीं पढ़ा है तो अभी सुन लो, जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है वो दो स्टेप रिएक्शन होती है, जिसमें पहले स्टेप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, और दूसरे स्टेप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डार्क। आई बात समझ में? और अब हमको क्या पता है बेटा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहां पर होगी, क्लोरोप्लास्ट में। और एक साइड हमको ये पता है क्या कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके दो पार्ट हो गए, एक तो क्या लाइट रिएक्शन और एक क्या हो गया बच्चों, डार्क। अब सीधी बात है बेटा, फोटोसिंथेसिस अगर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है तो लाइट रिएक्शन भी कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में, डार्क रिएक्शन भी कहां होगी, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना यह है कि लाइट रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में होगी, डार्क रिएक्शन भी क्लोरोप्लास्ट में होगी, वो बात तो मान ली सर, पर क्या ये एक ही जगह पे होती है? होती तो बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये अलग अलग जगह पे होती है। आई बात समझ में? तो क्या होता है, अगर क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस कहां होती है तो क्या बोलोगे, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन आए बेटा कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या फिर क्वेश्चन आए कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होती है, तो आपकी जो लाइट रिएक्शन होती है बेटा वो कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलेकोइड में। और जो डार्क रिएक्शन होती है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां होती है, स्ट्रोम। और ये दोनों के दोनों पार्ट ही किस चीज के हैं, क्लोरोप्लास्ट के। इसलिए बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट। आई बात समझ में? अब तो फंडा समझ में आ गया होगा ना। देखो सिंपल है बेटा कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट हो गए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो तो इस पार्ट में होगी, थाइलेकोइड में, और जो डार्क रिएक्शन होगी वो स्ट्रोमा के अंदर। अब चाहे लाइट रिएक्शन हो चाहे डार्क रिएक्शन हो, दोनों ही कहां हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए क्या बोल दिया, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट। इसी के साथ बेटा आपका प्लास्टिड खत्म, और इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म। आज हमने किया बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को। आपको क्या करना है, लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत आए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, या फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उन कमेंट्स को रीड करके देख लूं कि आपको कहां दिक्कत आ रही है। और अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लग रहे हैं तो अंगूठा भेज देना, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे कि आप लोग पढ़ रहे हो और सही से आपका कवर अप हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ और क्या बोलूं, इसी के साथ बेटा थैंक यू हैं, और हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।